उपस्थित मेरे सभी साथियों, आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस महिला दिवस पर सबसे पहले मैं आपको महिला दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ कि ललिता विशाखा राधा रानी अगर बेटी ना होती, ललिता विशाखा राधा रानी अगर बेटी ना होती तो यशोदा दुलारे नंद नंदन को नचाता कौन, और सावित्री जैसी बेटी तब साधिका ना होती तो यमराज से सत्यवान को बचाता कौन। इसी क्रम में मैं अपनी बात आगे रखना चाहूँगी कि जहाँ एक ओर हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आज हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति यही है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए जहाँ एक ओर महिलाएं आसमान छू रही हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा स्थिति दयनीय उस भ्रूण की है जो माँ के गर्भ में आने के बाद उसको पैदा होने ही नहीं दिया जाता है। इसी संदर्भ में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक नन्ना सा भ्रूण अपनी माँ से कहता है कि हे माँ, मुझे जन्म लेने दो। उसी की करुण व्यथा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक बार सुन लो पुकारे ये हमारी, एक बार सुन लो पुकारे ये हमारी, कोख में न मारो बाबुल बेटी हूँ तुम्हारी, बेटी हूँ तुम्हारी। बच्ची सबसे पहले अपने पिता से अरदास करती है कि शायद पिता ही उसकी बात को सुन ले। कहती है कि रो रो कर अरदास करूँ मैं, पिता मेरे सुन लेना। रो रो कर अरदास करूँ मैं, पिता मेरे सुन लेना। के रूखी सूखी रोटी देना, देना चना चबेना। के दोगे जो आदेश उसी पर, दोगे जो आदेश उसी पर, उम्र गुजारू सारी। कोख में न मारो बाबुल बेटी हूँ तुम्हारी, बेटी हूँ तुम्हारी। अब बच्ची अपनी माँ से कहती है कि माता नहीं कुमाता होती, होती जीवन दाई। माता नहीं कुमाता होती, होती जीवन दाई। और मुझको कैसे मार सकोगी हे नानी की जाई, कि मुझको कैसे मार सकोगी हे नानी की जाई। मुखड़ा देखूंगी मैं माँ का, मुखड़ा देखूंगी मैं माँ का, जाऊंगी बलिहारी। कोख में न मारो बाबुल बेटी हूँ तुम्हारी, बेटी हूँ तुम्हारी। अब इसके बाद बच्ची ईश्वर का सहारा लेती है कि शायद ईश्वर ही अब मेरे माता पिता को सद्बुद्धि दे दे तो शायद मैं इस धरती पर आने दिया जाए। कि ब्रह्मा जी की पावन कृति हूँ, विष्णु करेंगे पालन। ब्रह्मा जी की पावन कृति हो, विष्णु करेंगे पालन। और युगों युगों से यूं ही होता रहा सृष्टि संचालन। मुझे जन्म लेने दो माता, मुझे जन्म लेने दो माता, खुश होंगे त्रिपुरारी। कोख में न मारो बाबुल बेटी हूँ तुम्हारी, बेटी हूँ तुम्हारी। उस बच्ची का इस धरती पर आने का अपना कोई भी स्वार्थ नहीं है, वो बच्ची किसी और के लिए इस धरती पर आना चाहती है। तो देखिए किसके लिए आना चाहती है कि सिसक सिसक कर कांप रही हूँ, उधर में हूँ घबराई। सिसक सिसक कर कांप रही हूँ,
उधर में हूँ घबराई, मेरे भाई की रह जाए सुनी अगर कलाई, के बहना के हाथों से आरती, बहना के हाथों से आरती जाए नहीं उतारी। कोख में न मारो बाबुल, बेटी हूँ तुम्हारी, बेटी हूँ तुम्हारी। उस बच्ची ने, उस नन्हे से भ्रूण ने सबसे प्रार्थना कर ली, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुन रहा है। तो वो नन्हा सा बच्चा अपनी जिद पर आ गया, जिद पर आया तो कहता है कि मेहंदी रोली कंगन का जहाँ श्रृंगार नहीं होता, मेहंदी रोली कंगन का जहाँ श्रृंगार नहीं होता, रह जाते घर आंगन सूने जहाँ बेटी का अवतार नहीं होता। क्योंकि जन्म देने के लिए माँ चाहिए, खीर खिलाने के लिए मौसी चाहिए, कहानी सुनाने के लिए दादी चाहिए, अरे और तो और जीवन भर साथ निभाने के लिए पत्नी चाहिए, मगर माँ इन सब रिश्तों को निभाने के लिए बेटी तो होनी चाहिए, बेटी तो होनी चाहिए। माँ तू चिंता मत कर, माँ मुझे जन्म लेने दे, तू चिंता मत कर, मैं भी तुझे अपने मान से सम्मान दिलाऊंगी, मैं भी तुझे पीटी उषा, सानिया नेहवाल, डाइट प्राचार्य, डाइट प्रवक्ता की तरह बनकर दिखाऊंगी और तुझे अपने मान से तुझे भी सम्मान दिलाऊंगी। इतना कहकर वो नन्ना सा भ्रूण शांत हो गया और सबके मन में एक सवालिया निशान छोड़ गया कि क्या वास्तव में सही मायनों में यही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। सही मायनों में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस उस दिन माना जाएगा जब हर बालिका शिक्षित होगी और हर महिला रात को सड़कों पर निकलने के बाद भी सुरक्षित होगी, तभी सही मायनों में हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।